डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यूज केस डायग्राम इन यूएमएल, और इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे ना ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल थ्योरी में समझाई हुई है, लेकिन जब भी आप इस थ्योरी को किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हो तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट की अच्छे से डीप में नॉलेज हो जाती है। तो देखो, यहाँ पे यूज केस डायग्राम की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास जो यूएमएल है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, उसमें हम लोग जो है वो सिस्टम को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो यूज केस डायग्राम है, ये बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को डिजाइन करने के काम आता है। मतलब एक होता है स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, हम यहां पे स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं कर रहे, हम यहां पे उस सिस्टम के बिहेवियर को कि वो कैसे बिहेव करेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होंगी, कौन उन फंक्शनैलिटीज को यूज करेगा, ये सारी चीजों को एक ब्लूप्रिंट हम लोग यहां पे क्रिएट करते हैं। तो देखो, वही चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है कि बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को मॉडल करना, उसका एक ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम कौन सी होंगी, आप उस सिस्टम में क्या क्या चीजें कर सकते हो, कोई ऐप डिजाइन कर रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, क्या उन चीजों में जो है वो आप मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को डाल सकते हो, और उन फंक्शनैलिटीज को कौन यूज करेगा, उसको बोलते हैं एजेंट्स या फिर एक्टर्स। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल है बुक माई शो का। सबने कहीं ना कहीं देखी भी होगी और यूज भी की होगी बुक माई शो को। तो देखो, जब भी आप बुक माई शो को ओपन करते हो तो यहां पे सबसे पहली चीज आपको क्या दिखती है, सर्च। मतलब आपको यहां पे एक यूज केस दे दिया, एक फंक्शनैलिटी दे दी कि आप सर्च कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर मूवी, और जब आप यहां पे सर्च पे जाते हो तो आपको सारी मूवीज दिखा देता है, और साथ ही साथ आपको एक एक्स्ट्रा फीचर भी दे रहा है, एक्स्ट्रा फिल्टर लगा के दे रहा है कि आपको इंग्लिश में देखनी है, तेलुगु मूवी देखनी है, कौन सी यहां पे चेक करनी है। तो लेट्स सपोज मैंने यहां पे पंजाबी मूवी जो है वो सिलेक्ट कर ली, तो जैसे ही मैंने यहां पे पंजाबी मूवी सिलेक्ट की, क्या दिखा दिया, शो टाइम्स यहां पे दिखा दिए, मल्टीपल शो टाइम्स यहां पे दिखा दिए कि इस पर्टिकुलर थिएटर में इतने टाइम पे आप जा सकते हो, इसमें इतने टाइम पे, इसमें। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखा दी, और एक्स्ट्रा आपको ये बोल दिया कि प्राइस के हिसाब से या रीजन के हिसाब से या फिर सिनेमा के हिसाब से आप फिल्टर लगा सकते हो। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको फंक्शनैलिटी जो है वो एक्स्ट्रा दे दी। और इसके बाद मुझे अगर पर्टिकुलर लेट्स से बुक करनी है, तो बुक करने के लिए, टिकट को बुक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद मैं टिकट को बुक कर सकता हूं, पेमेंट कर सकता हूं, या फिर अगर मुझे लेट्स सपोज कोई और काम आ गया उस टाइम पे तो मैंने नहीं जाना, तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूं। ये सारी फंक्शनैलिटीज है जो इस वेबसाइट में बुक माई शो हमें देता है। किसको दे रहा है, हमें दे रहा है। हम कौन है, कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स को यहां पे क्या बोला जाता है, एक्टर्स बोला जाता है। तो अब आप मेन फंक्शनैलिटी पे यहां पे आते हैं। अब आपको एक ओवरव्यू इसका पता लग गया यहां पे, तो इसी ओवरव्यू को मैं यहां पे डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, मैं यहां पे, आप क्या हो यहां पे, सब लोग हम क्या है, कस्टमर्स हैं, जिसको हम यहां पे डिनोट करते हैं एक्टर। क्या बोलते हैं उनको, हम एक्टर यहां पे बोलते हैं। तो ये पहली चीज आपको पता लग गई, एक्टर। अब ये एक्टर जो है वो ह्यूमन बींग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ह्यूमन बींग ही होगा, ये यहां पे मशीन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, अकेला एक यूजर नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। तो एक्टर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, सिंबल जो है वो आप देख लो। तो ये एक्टर यहां पे, ये भी हो गया एडमिन, जो इस वेबसाइट को बैकएंड से डिजाइन जिसने करवाया, मैनेज कर रहा है, नए नए शो टाइम डाल रहा है, नई नई जो भी मूवीज आ रहे हैं उनको ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, तो वो एडमिन, वो सारे क्या हो गए यहां पे, एक्टर्स हो गए। अब मैं क्या बताया था, यूज केसेस क्या कर सकते हैं, हम यहां पे सर्च कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मूवी, शो टाइम्स को देख सकते हैं कौन से शो टाइम्स हैं, उसके अलावा बुकिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये सारे क्या हो गए, यूज केसेस, जिनको हम एक्लिप्स इसमें डिनोट करते हैं। ये सारी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना, लेकिन आपको मैं एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूं, इसमें हल्का सा एक्सटेंड कर रहा हूं। यहां पे एक फंक्शन यूज करते हैं हम एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन क्या होता है, मतलब आपके पास एक यूज केस है, एक फंक्शनैलिटी है, उस फंक्शनैलिटी में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दे दी। जैसे सर्च में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दी, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको क्या दी है, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको यहां पे दे दी कि आप क्या कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, बेस्ड ऑन लैंग्वेज आप चेक कर सकते हो कौन सी मूवी देखनी है। तो ये ऑप्शन है, आप लगाना चाहते हो लगाओ, नहीं लगाना लगा लो, मैंने आपको दिखाया ही है कि आप नॉर्मल भी मूवी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया एक एक्सटेंड फंक्शन, एक्सटेंड, ठीक है, ये नोट कर लेना। तो ये एक्स्ट्रा फंक्शन जो है वो एक्सटेंड, इसको हम डॉटेड लाइन, इस तरीके से डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट आ जाता है, जैसे बुकिंग है। अब ये जो बुकिंग हो रही है, ये बुकिंग के लिए, पेमेंट के लिए,
और कैंसल पेमेंट के लिए एक चीज करनी बहुत जरूरी है और वो है लॉगिन। क्या करना जरूरी है? लॉगिन करना जरूरी है। ये चीजें आप बिना लॉगिन के देख सकते हो कि मूवी कौन सी है, कहां पे लगी हुई, ये वो। लेकिन अगर आपने बुक करना है तो उसके लिए आपको बाय फोन नंबर या बाय ईमेल आईडी मल्टीपल ऑप्शंस है, आप उनसे क्या कर सकते हो? लॉगिन कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये एक इंक्लूड फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? एक इंक्लूड फंक्शन हो गया जो मल्टीपल यूज केसेस आपस में शेयर कर रहे हैं। तो लॉगिन करना पहले जरूरी है, उसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो आपको पता लग गया एक एक्सटेंड फंक्शन जो एक्सप्लिसिट है और ये इंप्लिसिट फंक्शन यहां पे इंक्लूड के बारे में पता लग गया। और यहां पे अब करना क्या है? कनेक्टर, कनेक्टर मतलब कनेक्ट करना है। तो कस्टमर क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है, शो देख सकता है, बुकिंग कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, कैंसिल बुकिंग कर सकता है। तो सबके साथ कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गए? कनेक्टर्स हो गए। तो एक्टर पता लग गया, कनेक्टर पता लग गया, यूज केसेस पता लग गए जिनको फंक्शनलिटीज बोलते हैं, एक्सटेंड फंक्शन के बारे में पता लग गया, इंक्लूड के बारे में पता लग गया। अब ऐसे ही एडमिन भी क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है बुकिंग्स को, कुछ बुकिंग को हटाना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, या फिर आपको मैनेज करना है शो टाइम्स को, कुछ ऐड करने है, रिमूव करने है, या फिर आपको जनरेट करनी है रिपोर्ट्स कि कितने लोगों ने एक दिन में बुक किया, किस रीजन में ज्यादा बुकिंग हुई, कम हुई। तो वो एडमिन ये सारी चीजें करता है। तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज का एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर दिया, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन फेज में जाते हैं। तो यहां पे इन सबको क्या करना है? लास्ट में सिस्टम बाउंड्री, लास्ट में मेरे पास क्या होती है? सिस्टम बाउंड्री। मतलब ये सारी फंक्शनैलिटीज को एक बाउंड्री में, एक सिस्टम बाउंड्री के अंदर डाल दो, जिससे जो है वो इंप्लीमेंटेशन फेज में जब जाएंगे तो डिजाइन में मेरे को पता लग गया। अब इंप्लीमेंटेशन वाले क्या करेंगे? एक एक चीज को कोड करने की कोशिश करेंगे, इसकी फंक्शनैलिटी सारी एक एक करके डिजाइन करेंगे। तो ये सारी कहानी जो है वो नोट कर लेना, इंटरव्यू में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कहीं पे भी पूछ लें, आप इजीली आंसर अब दे सकते हो। थैंक यू।